नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। पता नहीं ऊपर वाले ने किस मिट्टी से बनाया मुझे, लड़की देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं। अजीब सा फितूर चढ़ने लगता है धन-बदन में। गई बेटा? अच्छा जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं मम्मा, अभी भूख नहीं है। दीप्ति बेटा, क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रही है। कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। क्यों नहीं रहे हो? देखो तुम जो कोई भी हो ना, ये हरकतें करना बंद कर दो, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यहाँ क्यों खड़े? अरे कुछ नहीं भाईजान, बस देख रहा था हमारी बीविया कितना काम करती है, कैसे मशरूफ रहती है काम में। और तुम कहाँ मशरूफ थे, दिन भर से दिखाई नहीं दिए। देखा भाईजान, आपकी बहन एक बार मुझे देख ना लेना तो दिन नहीं कटता इनका। क्यों, मिस कर रहे थे हमें? कमाल की जोड़ी है तुम दोनों की, एक साथ होते हो ना तो रौनक आ जाती है। अरे कहाँ भाभी जान, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वरना किस्मत तो अरबाज भाई की अच्छी है जो आप उनके गले का हार बने। हमारी किस्मत में तो कांटे लगे हैं बस। अच्छा बहुत चुपती हूँ ना मैं, भी बताती हूँ। आयशा ये क्या कर रही हो? बहुत चुपती हूँ ना मैं, रुको रुको। अरे आयशा, आयशा ये क्या कर रही तू? आयशा ये बाहर निकल। अच्छा बच्चों की तरह। सॉरी भाभी, देखा तेरी मस्ती में भाभी के कपड़े खराब हो गए। तुम्हारे अरे कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ मम्मी। हाँ बस ऑफिस से निकल गई हूँ। ध्यान से आना। मम्मी आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अच्छा मम्मी एक बात बताना, वो राजन मेरा लैपटॉप रिपेयर करके दे गया? नहीं, तेरा लैपटॉप तो नहीं आया। अरे कितना बड़ा झूठा है, मुझसे तो कह रहा था दोपहर तक रिपेयर करके घर पहुंचा दूंगा। चलो मैं जाके देखती हूँ। आ भैया समता नगर। हाँ। सरफराज इतनी रात में क्या कर रहे? कुछ भी नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो पुरानी यादें ताजा कर रहा था। पुरानी यादें लैपटॉप में? आयशा ये क्या कर रही हो तुम? शादी की वीडियो देख रहा था यार अपनी। अच्छा हमारी शादी की वीडियो देख रहे थे ना, मैं भी देखती हूँ। तुम बिल्कुल ही पीछे पड़ जाती हो। शादी का वीडियो देख रहे थे या किसी की सुहागरात? कुछ भी। हाँ अच्छा, ये सब बोल के मूड बनाया जा रहा है ना, फैमिली प्लानिंग है ना। छोड़ो सरप्राइज, जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ तुम दूर कर देती हो मुझे। क्यों, माँ नहीं बनना है या फिर बोर हो गई हो तुम मुझसे?
तुम ना एकदम टू मच हो। चलो जल्दी से स्माइल दो। चलिए फिर। और अगर फितरत बुरी हो तो उसके फितूर और भी खौफनाक होते हैं, और ऐसे फितूर में जीने वाले कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, जबकि आगे सिर्फ तबाही होती है, और ऐसी ही तबाही सरफराज का भी इंतजार कर रही थी। मरने वाला सरफराज भले ही बदनाम था, लेकिन मारने वाला एक अरसे तक गुमनाम था। यह एक ऐसा मर्डर केस था जिसको हेडलाइन तब मिली जब एक और इंसानी फितूर गुनाह के पांव पसार रहा था। भैया जरा आराम से चलाइए आप। कुछ पता चला व्यक्ति का? नहीं, वो राजन की दुकान पर अपना लैपटॉप लेने नहीं पहुंची, और उसके ऑफिस वालों से भी कुछ पता नहीं चल रहा। सर, मैंने ही फोन किया था आपको। यहीं से अगवा करके ले गए सर, मैं उन्हें यहीं समता नगर लेकर जा रहा था, इतने में वैन से दो लड़के आए और उठा कर ले गए सर। उस गाड़ी का नंबर नोट किया जिसमें लड़की को लेके गए? नहीं सर, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कुछ समझ में नहीं आया सर। लेकिन सर वैन ब्लू कलर की थी सर। दीप्ति किडनैपिंग केस देखते ही देखते इतना बड़ा बन गया था कि केस तुरंत क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। जैन सर। जैन, क्या अपडेट? सर, बोरीवली कॉम्प्लेक्स से किडनैपिंग स्पॉट तक उस ऑटो का ट्रेल चेक किया, जहां जहां सीसीटीवी मिला वहां उस ऑटो के पीछे वैसे कोई ब्लू बैंड नहीं दिखे सर, और जहां किडनैपिंग हुई थी वहां सीसीटीवी नहीं था, इसलिए वैन आगे किस डायरेक्शन में गई इसका ट्रेस भी नहीं मिला। किडनैपिंग हुए 16 घंटे हो गए, पता नहीं इस वक्त लड़की किस हाल में होगी, और तुम कह रहे हो कि कुछ भी ट्रेस नहीं हुआ है? वो वैन जरूर किडनैपिंग स्पॉट से जंगल की तरफ गई होगी, उस डायरेक्शन में चेक किया? जी हाँ सर, वहां पूरी रात पेट्रोलिंग हुई है, और उस पैच में कहीं सीसीटीवी नहीं सर, और ज्यादातर स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़े। मैं मानता हूँ क्रिमिनल्स इन बातों का फायदा उठाते हैं, लेकिन हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। पता है ना मीडिया में कितना बवाल हो रहा है? सर, जिस लड़की की किडनैपिंग हुई थी उसकी पहचान पता चल गई है। कल देर रात एक दीप्ति नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी, और ये दीप्ति उसी एरिया में रहती है जहां से किडनैपिंग हुई थी। सर, मैंने ऑटो वाले को इस लड़की की फोटो दिखाई तो उसने कहा कि ये वही लड़की है जो उसके ऑटो से किडनैप हुई थी। अरे लेकिन कुछ तो पता कीजिए, दो दिन हो गए उससे गायब हुए हुए। आप मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। क्या दीप्ति किडनैप हुई है? आपको किसी तरह की कोई फरौती का कॉल आया? नहीं सर। किसी पर शक है आपको? सर, एक लड़का दीप्ति को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। कौन लड़का? पता नहीं सर, लेकिन काफी टाइम से दीप्ति परेशान लग रही थी। कुछ दिन पहले वो फोन पे किसी के साथ झगड़ा कर रही थी, तभी इस बात का पता चला। देखो तुम जो कोई भी हो ना, ये हरकतें करना बंद कर दो, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्या बात है बेटा, किससे बात कर रही थी? मालूम नहीं मम्मा कौन है, आए दिन मुझे ब्लैंक कॉल करता रहता है, और आजकल तो मेरा पीछा करना भी शुरू कर दिया है, और मम्मा आज तो उसने हद ही कर दी। मतलब इतना सब कुछ दीप्ति के साथ हो रहा था तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की?
यही गलती हो गई सर, पता नहीं था कि दीप्ति के साथ। प्लीज सर, प्लीज उसका पता कीजिए सर। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये काम है हमारा। आप लोगों ने कल दीप्ति को आखिरी बार कब देखा था? जी कल सुबह जब ऑफिस जा रही थी। कहाँ ऑफिस है दीप्ति का? जी बोरीवली में, एबल कंप्यूटर्स नाम की कंपनी है, वहीं पर सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ऑफिस से निकलते वक्त उसने अपनी मम्मी को फोन भी किया था। अच्छा मम्मी एक बात बताना, वो राजन मेरा लैपटॉप रिपेयर करके दे गया? नहीं, तेरा लैपटॉप तो नहीं आया। अरे कितना बड़ा झूठा है, मुझसे तो कह रहा था दोपहर तक रिपेयर करके घर पहुंचा दूंगा। चलो मैं जाके देखती हूँ। दीप्ति रात को 9 बजे तक घर ही नहीं पहुंची, फिर उसका फोन भी बंद आने लगा। मैं राजन की दुकान पर गया पूछने के लिए, तो वो कहने लगा कि दीप्ति वहां भी नहीं पहुंची। ये राजन की शॉप कहाँ है? हाँ सर, दीप्ति मैडम मेरी पुरानी कस्टमर है, उन्होंने अपना लैपटॉप ठीक करने के लिए मुझे दिया था। राजन भाई, अरे ये लैपटॉप चेक कर लेना, आजकल बहुत हैंग कर रहा है और इसमें वाईफाई का सिग्नल भी नहीं शो करता है। अरे मैडम 2 मिनट में चेक करके बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। आप बैठो बैठो, इधर मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक ले गया जल्दी। नहीं राजन भाई, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है, आप इसको सही करा के ना घर पहुँचा देना बस। आप इसे भी रखो और पहुँचा देना आप, ठीक है? अरे मैडम 2 मिनट में देख, कल शाम 7:30 बजे उनका फोन भी आया था मुझे। दीप्ति मैडम मैं आपको ही फोन करने वाला था। राजन भाई लैपटॉप रिपेयर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल रिपेयर हो गया है, लेकिन मैं पहुंचा नहीं पाया। आप दुकान पे आके ले जा सकती हैं? चलो ठीक है, फिर मैं ही आकर ले जाती हूँ। लेकिन फिर वो आई नहीं, रात में उनके पापा आए थे, दीप्ति को लेके काफी परेशान थे। दीप्ति की किडनैपिंग तो यहाँ पास में ही हुई थी, तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं सर, मुझे तो आज सुबह ही पता चला इस बारे में। दीप्ति ने इसको बताया था कि वो इसकी शॉप पर आ रही है और किडनैप हो गई। इसकी बैकग्राउंड चेक करो और पता करो कि इससे कनेक्टेड किसी आदमी के पास ब्लू कलर की वैन है क्या, जिसमें दीप्ति किडनैप हुई। दीप्ति के पेरेंट्स ने बताया था कि कोई लड़का दीप्ति को ब्लैंक कॉल करता है, स्टॉक करता है। दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड से स्टडी करो और जहां जहां दीप्ति का आना जाना था वहां वहां सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ये लड़का दीप्ति के ऑफिस गली मोहल्ले कहीं से भी कनेक्टेड हो सकता है। अरे भाई साहब कमाल करते हैं आप भी, इतना सब कुछ हो गया आपने बताया भी नहीं, क्योंकि लड़का दीप्ति को परेशान कर रहा था, अब इतने गैर और इतने पराए हो गए हम। बस जय, अभी ये सब बात करने की हालत में नहीं है हम लोग। अरे भाई साहब हम समझ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते। भाई साहब कुछ तो बताइए आप, ताकि हम जाके दीप्ति के बारे में कुछ तो मालूम करें, उसे ढूंढे जाके कम से कम। दीप्ति के किडनैपर्स तक पहुंचने के लिए दीप्ति के ऑफिस, घर, मोहल्ले, हर जगह पूछताछ की जा रही थी, लेकिन दीप्ति को सही सलामत ढूंढने की पुलिस की कोशिश अब नाकाम हो गई थी। हेलो हेलो, हालत देखकर तो लग रहा है सर इसके साथ रेप भी हुआ है। ये जगह किडनैपिंग लोकेशन से 7-8 किलोमीटर दूर है, आसपास पता करो, शायद किसी से उस ब्लू कलर की वैन के बारे में पता चल जाए जिसमें दीप्ति किडनैप हुई थी। ओके सर। लड़के को जानते हैं आप लोग? नहीं सर, क्या इसी लड़के ने? संकेत नाम है इसका, इसका नंबर हमें दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड्स में, इनफैक्ट ये अपने 2 अलग-अलग नंबर से दीप्ति को कॉल करता था। सर एक मिनट, मैंने इस लड़के को ही देखा है। हाँ सर, इस लड़के को मैंने दीप्ति के साथ देखा था। दीप्ति बहुत गुस्से में लग रही थी, जब मैं वहां पहुंचा तो लड़का चला गया वहां से। दीप्ति क्या हुआ? निकलो यहां से तुम। कौन था ये? दीप्ति ने तो कुछ नहीं बताया,
हो सकता है कि ये वही लड़का हो जो उसको स्टॉक कर रहा था। जब इस लड़के को दीप्ति के साथ देखा था आपने, कब की बात है? काफी समय पहले थे। कहाँ देखा था? दीप्ति के ऑफिस के बाहर। सर मैंने कुछ नहीं किया दीप्ति के साथ, वो मेरी अच्छी दोस्त थी इसलिए फोन करता था उसको। वो भी दो दो नंबर से स्टॉक करता था उसको, पीछा करता था उसका। नहीं नहीं सर, मैं उसको स्टॉक क्यों करूंगा सर, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बल्कि मैं तो उसके साथ शादी भी करना चाहता था। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उनको दीप्ति की कंपनी कंप्यूटर सप्लाई करती है, इस वजह से हमारी फोन पर बातें होती थी। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ये लो। थैंक यू। यार दीप्ति, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, MBA भी किया हुआ है तुमने, ये कंपनी में क्यों फंसी हो? तुम्हें तो बहुत अच्छे जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं। फंसी नहीं हूँ संकेत, मैं ना बस सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। सही मौका मिलते ही मैं सीधा अब्रॉड। सच में? और जॉब के अलावा क्या सोचा है तुमने? मतलब ये नहीं पता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट आई रियली लाइक यू। क्या तुम भी मुझसे? सर पसंद तो वो भी मुझे करती थी, पर सर दीप्ति शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। संकेत मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं शादी के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। यार दीप्ति तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? यार बार बार वही सवाल, मैंने बोल दिया अब मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है संकेत। सर उसके बातों से मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया, इसलिए मैंने दूसरा नंबर लिया था और उसको कॉल करता था मैं। हेलो, अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सर एक दो बार उसने फोन उठाया लेकिन मैं बात करने की हिम्मत जुटा नहीं पाया, और जब बात करने की कोशिश की तो और ज्यादा नाराज हो गई थी। हेलो। हेलो दीप्ति, कैसी हो तुम? तुम तो तुम मुझे इतने दिनों से ब्लैंक कॉल कर रहे हो। नहीं नहीं दीप्ति, मैं तो बस तुम्हें। बस करो, तुम्हारी फितरत ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, और अब मुझे दोबारा फोन मत करना। सर मैं तो बस उसको एक बार मिलना चाहता था लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आया। वो जब तेरी ये समझ में आया कि वो तुझे अवॉइड कर रही है तो ये बात तेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तुमने दीप्ति को किडनैप किया और उसके बाद उसका रेप किया और मर्डर कर दिया। सर क्या बात कर रहे आप, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। जब तुमने उस लड़के को दीप्ति से झगड़ते हुए देखा तब मुझे क्यों नहीं बताया? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब मुझसे ही पूछ रहे हो कि लड़का कौन है? अरे भाई साहब अगर तब बता देते ना तो बड़ी मुसीबत हो जाती। अच्छा ठीक है, आज बता रहे हैं तो क्या आप सुन रहे हैं? क्या क्या कहना क्या चाहते हो तुम? बस आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप दीप्ति को अच्छी तरह से जानते थे, वो कैसी थी? अगर तब बोलते ना तो कहते कि मेरी लाइफ में ताक झांक कर रहे हो, देख लिया ना आपने आप लोगों से कितना छुपाती थी वो। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला तो, वो अब नहीं रही है। और नहीं भाभी जी, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। तुम्हारा सब मतलब समझती हूँ मैं, मुझे ये बताओ कि तुम दीप्ति के ऑफिस के पास क्या करने गए थे? सर दीप्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले दीप्ति को ड्रग्स देकर बेहोश किया गया, फिर उसका रेप किया गया। ये तो दीप्ति की लाश देखकर लग ही रहा था। कॉज ऑफ डेथ सफोकेशन। लेकिन सर किलर यहीं तक नहीं रुका, ये कोई विकृत मानसिकता वाला ही कर सकता है। संकेत ने कुछ बोला? नहीं सर। लेकिन हाँ सर, किलर ने दीप्ति की बॉडी से अपना DNA भी वाइप आउट कर दिया। दीप्ति को दो लोगों ने किडनैप किया था। अगर संकेत दीप्ति की किडनैपिंग में शामिल है तो उसका कोई दूसरा साथी भी होगा। एक काम करो, संकेत को जाने दो और नजर रखो इस पर, और पता करो कि संकेत से कनेक्टेड किसी भी आदमी के पास ब्लू कलर की वैन है। और सर इसके अलावा राजन के बारे में एक बात पता चली है। राजन पे तकरीबन एक साल पहले एक लड़की ने मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया था, केस स्ट्रॉन्ग नहीं था इसलिए छूट गया। इसे देखकर ही लग रहा था कि आदमी ठीक नहीं है। लेकिन सर फिलहाल इसके बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं मिला है जिसके पास कोई ब्लू कलर की वैन। एक मिनट। हाँ अभिषेक बोलो। सर राजन के बारे में पूछताछ की तो राजन का एक हेल्पर ग्रीश सामने आया है, तो उसके पास राजन का एक लैपटॉप भी है। सर ये राजन भाई का लैपटॉप है जिसमें राजन भाई ने वो लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीर रखी है। सर ये लैपटॉप तुम्हारे पास कैसे है? साहब वो राजन भाई के मैं बहुत सालों से काम करता था सर, और पिछले 3-4 महीने की पगार वो मेरी लटका के रख रहे थे, और जब मांगने गया तो सब धक्का मार के बाहर निकाल दे रहे थे। साहब नहीं देता पगार, चल निकल यहां, चल निकल। तो गुस्से में आके मैं लैपटॉप उठा के भाग गया साहब। ये लैपटॉप में जो लड़कियां कौन है ये? सर वो मालूम नहीं सर मुझे। राजन का दीप्ति को लेकर कैसा बिहेवियर था? साहब राजन भाई तो थोड़े अय्याश हैं साहब,
मैंने साहब को बताया था साहब, और दीप्ति मैडम को लेके उनकी नजर कुछ ठीक नहीं थी साहब। ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू सर, थैंक यू। दीप्ति के साथ जिस तरह से रेप किया गया उससे तो यही लगता है कि ऐसी मानसिकता वाला आदमी ऐसा कर सकता है। चेक करो, हो सकता है इसमें दीप्ति के भी फोटोग्राफ्स हो, और राजन को लेके आओ। सर दीप्ति ने आखिरी कॉल तुझे किया था, और सीधे सीधे बोल, दीप्ति के रेप और मर्डर में तेरे साथ दूसरा कौन शामिल था? सर मैंने कुछ नहीं किया है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही होगी। तेरे लैपटॉप में जो न्यूड पिक्चर्स हैं, किन लड़कियों की हैं? मेरे लैपटॉप में? मेरा कौन सा लैपटॉप? अरे वही लैपटॉप जो क्रिश तेरी दुकान से लेके भागा था। हाँ सर, गिरीश मेरी दुकान से लैपटॉप लेकर भागा था, लेकिन सर वो लैपटॉप मेरा नहीं है, वो तो एक लड़का मेरी दुकान पे मुझे बेच के गया था। अच्छा, तो कहानी सोच क्या है? सर मैं सच बोल रहा हूँ, एक दिन एक लड़का उस लैपटॉप को लेकर मेरी दुकान पे आया था और मुझे बेच के गया था। ₹2000 मिलेंगे इसमें। ठीक है, दो जल्दी। सर वो लैपटॉप बेचना चाहता था, मैंने ₹2000 में खरीद लिया। मैंने सोचा था कि इसको ऊंचे दाम में बेच दूंगा, मुझे नहीं पता था कि उस लैपटॉप में वो सब फोटोज हैं। कौन था वो लड़का? मुझे नहीं पता सर, वो तो मैंने पहली बार अपनी दुकान पे देखा उस लड़के को। सर मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। ओ इज्जतदार आदमी, सब पता क्या है हमने तेरे बारे में? मोलेस्टेशन का चार्ज लगा था तुझ पर। वो तो झूठा आरोप है सर मेरे ऊपर, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं उगलेगा ये। सर मैंने लैपटॉप चेक किया, पर इसमें दीप्ति की कोई फोटो नहीं मिली। हो सकता है दीप्ति की फोटोग्राफ इसे डिलीट कर दी गई है, इसका डिलीटेड डेटा रिट्रीव करो। ओके सर, और एक बात सर, ये सारी फोटोज मॉफ्ड हैं। मॉफ्ड? जी सर। यानी न्यूड पिक्चर्स के ऊपर दूसरी लड़कियों के फेसेस लगाए गए। राइट सर। और एक बात सर, मैं जब लैपटॉप चेक कर रहा था तो मुझे सरफराज नाम का एक फोल्डर मिला सर, जिसमें इस लड़के के कई फोटोज हैं। ये देखिए, लैपटॉप से ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला सर, लेकिन जब मैंने लैपटॉप के सीरियल नंबर से इसके बायर का पता किया तो पता चला कि गुरला के रहने वाले सरफराज ने लैपटॉप खरीदा है सर। और ये देखिए सर, लैपटॉप पे भी एस लगा है। हो सकता है सर लैपटॉप खरीदने वाला सरफराज और फोल्डर के अंदर जिसके फोटो हैं वो सरफराज, ये दोनों एक ही हैं। पॉसिबल है। अभिषेक कुरला पुलिस से कॉन्टेक्ट करो और सरफराज को लेकर आओ। सर आयशा चलो घर में गरम चाय। सूरी आयशा, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। किस बारे में? माना कि तुम्हारी डिलीवरी में काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन अब तुम फिट हो और जूही भी एक साल की हो गई है। आयशा तुम वही बिजनेस फिर से शुरू क्यों नहीं कर देती जो तुम जुबैदा भाभी के साथ करती थी? नहीं वसीम, अब हालात बहुत बदल गए हैं, मुझे नहीं लगता कि जुबैदा भाभी दोबारा वो काम शुरू करना चाहेंगी। तो तुम क्यों शुरू नहीं कर देती? क्यों, मेरा और जूही का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है क्या? आयशा मैंने तुम्हारी हर मुश्किल को आसान किया है और तुम मेरे लिए मुश्किल नहीं बन सकती। और जूही, उसका नाम नहीं लिया तुमने, क्यों? वो सरफराज का खून है इसलिए? जिस लड़के ने तुझे लैपटॉप भेजा ये वो? नहीं सर, ये वो नहीं है। स्केच बनवा सकता है उसका? हाँ, वो लड़का कुछ कुछ ऐसा ही दिखता था। ₹2000 मिलेंगे इसको। ठीक है, दो। दीप्ति का जहाँ जहाँ आना जाना था वहाँ की मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोला था, क्या अपडेट है उसका? सर हमने दीप्ति के फोन के लोकेशन के हिसाब से ऐसे कई एरियाज की फुटेज निकलवाई है, लेकिन सर फुटेज काफी ज्यादा है। फुटेज ज्यादा है तो ज्यादा आदमी लगाओ चेक करने के लिए। फुटेज में जहाँ जहाँ दीप्ति स्पॉट हुई है
वहां पर उसको स्टॉक करने वाला भी हो सकता है, और वो संकेत, राजन, सरफराज कोई भी हो सकता है, या फिर ये स्केच वाला भी हो सकता है जिसका पता लगाना है। जी सर। दीप्ति की हत्या हुए अब 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन दीप्ति के हत्यारे की तलाश में अब पुलिस को सरफराज से जुड़े ऐसे राज पता चलने वाले थे जो इस केस को और भी उलझा देने वाले थे। सर, सर मैंने कुर्ला पुलिस से कॉन्टेक्ट किया तो मालूम चला कि सरफराज पिछले 1.5 साल से लापता है। लापता है? जी सर। सर 1.5 साल पहले सरफराज की मिसिंग कंप्लेंट उसकी बीवी ने दर्ज करवाई थी, लेकिन कुर्ला पुलिस सरफराज के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई और यह केस पिछले 1.5 साल से अनसॉल्वड है। 1.5 साल से? ऐसा क्या इस केस में कि पिछले 1.5 साल से ये सॉल्व नहीं हुआ? सर मैंने ये केस स्टडी किया, इस केस के ऊपर कुछ खास काम नहीं हुआ था, बस इस विलास नाम के आदमी के ऊपर शक जताया गया था क्योंकि इसने सरफराज को आखिरी कॉल किया था, लेकिन सर इसके खिलाफ बाद में कुछ मिला नहीं तो इसे छोड़ना पड़ा। 1.5 साल पहले सरफराज गायब होता है और 1.5 साल के बाद ये लड़का सरफराज का लैपटॉप राजन की दुकान पर भेजता है। दीप्ति राजन को लास्ट कॉल करती है और राजन की दुकान पर जा रही होती है, बीच रास्ते में ही दीप्ति का किडनैप हो जाता है। दीप्ति का रेप और मर्डर केस सरफराज के केस से जरूर ताल्लुक रखता है। सरफराज और इस स्केच वाले लड़के के बारे में पता लगाने के लिए हमें विलास और सरफराज से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों से मिलना पड़ेगा। क्या हुआ ऐशा? कुछ नहीं। जी आयशा। जी हाँ। मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम ब्रांच। हमें आपके पति सरफराज के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। सरफराज? पूरे 1.5 साल बाद सरफराज के बारे में पूछे, क्या पूछना है? हमें आपके पति सरफराज का लैपटॉप मिला है। सरफराज का लैपटॉप कहाँ? और सरफराज? ढूंढ रहे हैं उसे। दरअसल सरफराज का लैपटॉप दही सर में दुकान पर बेचा गया और जिसने बेचा वो ये लड़का है। आप जानती हैं इसको? नहीं। सरफराज के लैपटॉप में हमें कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ्स मिले हैं, उनके फेसेस कुछ न्यूड पिक्चर्स के साथ मॉर्फ किए गए। दहीसर के जिस एरिया में सरफराज का लैपटॉप बेचा गया, रिसेंटली उसी एरिया में दीप्ति नाम की लड़की का रेप और मर्डर किया गया। जानती हैं आप दीप्ति को? कभी आपने देखा था सरफराज के साथ इसे? जी नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि सरफराज के लैपटॉप में बहुत सारी लड़कियों के फोटोग्राफ्स थे, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की के न्यूड फोटोग्राफ्स नहीं देखे। वो यही थी लड़कियां? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती, लेकिन हाँ सरफराज से जरूर जानना चाहती थी कि ये लड़कियां कौन थी, कौन है ये लड़कियां, और इनके फोटोग्राफ्स तुम्हारे लैपटॉप में क्या कर रहे हैं सरफराज? अच्छा, इसीलिए तुम उस दिन अपना लैपटॉप मुझे नहीं दे रहे थे, है ना? चुप क्यों हो, बोलो सरफराज। मेरा पास्ट, तुमसे शादी करने से पहले ये सारी लड़कियां मेरी लाइफ में आई थी एक एक करके, और मैं सबसे प्यार करता था। फिर मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं इन सबके प्यार में नाकाम हो चुका था। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता नाकाम हो। इतना सब जानते हुए भी मैंने सरफराज को माफ कर दी, लेकिन वो भरोसे के लायक ही नहीं था। एक दिन वही हमें छोड़कर चला गया। लेकिन सरफराज की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते वक्त ये बातें तो आपने बताई नहीं थी। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक दिन वो लौटकर जरूर आएगा। मेरे पेट में उसका बच्चा था, लेकिन ना तो उसे मेरी परवाह थी, ना ही अपने बच्चे की। अगर वसीम ना होते, ना तो आज मैं जिंदा होती, ना ही मेरी बच्ची। वसीम? आप ही वसीम हैं? जी सर, मैं वसीम, सरफराज का दोस्त, और अब हम पति पत्नी। हाँ सर, आज से 1.5 साल पहले से मैं सरफराज के कांटेक्ट में था सर। वो एक ब्रोकर था और मुझे एक प्लॉट की तलाश थी सर, और इसलिए मैं उससे मिला था।
और ये बात सर मैंने कुरला पुलिस को भी बताई थी। लेकिन 1.5 साल बाद अब हमें पता चला है कि इस आदमी ने सरफराज का लैपटॉप दहीसर में बेचा था। क्या उस दौरान कभी इस आदमी को सरफराज के साथ देखा था? नहीं सर, सर मुझे ध्यान में नहीं है। शायद कभी देखा होगा सरफराज के साथ में। इसका नाम सरफराज है, ये 1.5 साल से लापता है। क्या इसको जानते हैं हम लोग? कभी दीप्ति के साथ देखा हो इसको? और इसको जी? नहीं सर। तो क्या इन दोनों ने ऐसा शक है हमें? शक करने की वजह तो है, जिस तरह से सरफराज के गायब होते ही आयशा और वसीम ने शादी कर ली, उसे तो यही लगता है कि सरफराज खुद से गायब नहीं हुआ है, बल्कि सरफराज को गायब किया गया। वैसे भी जिस आदमी के लैपटॉप में इतनी सारी लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स, उन्हें डिलीट किए बिना अपना लैपटॉप क्यों भेजा? इसको ना तो आयशा ने पहचाना और ना ही वसीम ने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों इसको जानते हैं लेकिन हमसे सच छुपा रहे? सर मैंने ये स्केच हर जगह सर्कुलेट करवा दिया। इसके साथ साथ हमारी टीम अब ये भी पता लगा रही है कि सरफराज और दीप्ति से जुड़े किसी भी इंसान के पास वो ब्लू वैन तो नहीं जिसमें दीप्ति को किडनैप किया गया। सरफराज के लैपटॉप में जितनी भी लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं, हमें उन सबकी पहचान पता करनी होगी। आशा का कहना है कि इन सभी लड़कियों के साथ सरफराज का अफेयर था। अगर ये सच है तो पॉसिबल है दीप्ति भी सरफराज का पास्ट, लैपटॉप का डिलीटेड डेटा रिट्रीव हुआ। फिलहाल तो नहीं सर, जल्दी हो जाएगा। हेलो भाभी जान, कैसी हैं आप? आयशा, तू? लगता है अब तो आपने मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से। अरे नहीं, वो फोन बदल दिया है। बदल तो बहुत कुछ गया है भाभी, जिंदगी हर कदम पे नया मोड़ ले लेती है। आयशा तू ये क्या कह रही है? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तो लगा था आप खुद ही फोन करके बता देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लेती। पुलिस को क्या बताया आपने मेरे बारे में? पुलिस? आयशा, आयशा ये क्या कह रही है तू? क्यों, पुलिस सरफराज के बारे में पूछताछ करने के लिए आपके पास नहीं आई? सर हमने दीप्ति के ऑफिस के बाहर की पिछले 2 महीने की कई सीसीटीवी फुटेज चेक की, उनमें से कई फुटेज में दीप्ति संकेत के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन सर फुटेज में संकेत दीप्ति को स्टॉक करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन दीप्ति को लगता था कि कोई लड़का उसको स्टॉक करता था, पीछा करता था उसको। बाकी की फुटेज भी चेक करो। जी सर। और एक बात है सर, दीप्ति की हत्या से 2 दिन पहले उसका चाचा उसके ऑफिस के बाहर देखा गया। मैंने और चेक किया तो पता चला कि दीप्ति का चाचा अक्सर दीप्ति के ऑफिस वाले एरिया में जाया करता था। इसके खिलाफ मिला कुछ? अनमेरिड जॉबलेस फ्रस्ट्रेटेड आदमी है सर, शराब की भी लत है। कुछ साल पहले तक दीप्ति के पेरेंट्स के साथ ही रहता था। दीप्ति के फादर इसकी आदतों से परेशान थे इसलिए इसे अलग कर दिया। जयेश घर में अपना हिस्सा मांग रहा था सर, और दीप्ति घर बेचने के खिलाफ थी। हाँ सर, ये बात सही है कि जयेश चाहता था कि मैं घर बेच दूं और उसे उसका हिस्सा दे दूं। लेकिन दीप्ति ये नहीं चाहती थी कि ये घर बिके। चाचा, आप किस मुंह से अपना हक मांग रहे हैं? दीप्ति, हम दोनों भाइयों के बीच मोड़ने की जरूरत नहीं है तुझे। क्यों? क्यों ना बोल? आप भूल गए, जब आपको बिजनेस करना था आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था और आपका बिजनेस तो ठप हो गया। उसकी किस्तें किसने चुकाई? मैंने और पापा ने। तू हद से ज्यादा नहीं बोल रही है? क्यों, आप भी हद में कहाँ रहते हैं? काम आपको आता नहीं है और नशा आपसे छूटता नहीं है। देख, अपने हद में रह जयेश, वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो आपको कभी लगा नहीं कि जयेश ऐसा कुछ? सर माना कि जयेश से हमारी बनती नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। ये ऐसा समझ सकते हैं सर, लेकिन मुझे किसी पे भरोसा नहीं। मेरी बेटी को किसी दुश्मन से कम नहीं समझता था वो। साहब मुझे मालूम था भाभी जी मुझे बख्शेंगे नहीं, लेकिन मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि अपनी भतीजी के साथ ये सब। तो फिर उसके ऑफिस के पास क्यों मंडराता था? दीप्ति की हत्या से 2 दिन पहले भी तुम्हें देखा गया, क्यों गया था? मैं तो बस उससे मिलके बताना चाह रहा था कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए और रास्ते में ना आए। काम नहीं है साहब, पैसा नहीं है। काम नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन तेरा दोस्त उमेश तो तुझे पैसे दे रहा था ना, कर्जा दे रहा था ना तुझे, और रोज पे रोज तुझे दारू भी पिला रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको खुश करने के लिए तूने दीप्ति को? पैसा कुछ नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ। जो भी है वो तो तेरा दोस्त गलत देगा, और तू भी। साहब मैंने कुछ नहीं किया था।
सर, इस लैपटॉप का डिलीटेड डाटा रिट्रीव कर लिया गया है। सर, इसमें दीप्ति के फोटोज नहीं मिले। ये देखिए, एक दूसरी लड़की के न्यूड फोटोज मिले। मतलब इस लड़की के फोटोग्राफ्स मॉर्फ नहीं किए गए? नहीं सर, ये फोटोज मॉर्फ नहीं किए गए, बल्कि ओरिजिनली ऐसे ही खींचे गए हैं। जुबैदा, क्या सोच रही? आपने हमेशा अपनी बहन के बारे में सोचा, कभी उसकी जिंदगी दागदार नहीं होने दी, लेकिन मुझ पर लगा ये दाग मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। एक दूसरी लड़की के न्यूड फोटोज मिले हैं। मतलब इस लड़की के फोटोग्राफ्स मॉर्फ नहीं किए गए? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? सरफराज के लैपटॉप में आपके ये फोटो होने की कोई तो वजह होगी। वजह थी, सरफराज अयास था, गलती हमारी भी थी। मैंने बिना जाने बिना परखे अपनी बहन की शादी उसके साथ करवा दी और उसके बाद उसको पड़ोस में ही घर दिलवा दिया। फिर वो मेरी बीवी पे ताक झांक करने लगा। मुझे कभी भी उसकी नीयत पर शक नहीं हुआ। मैं और आयशा तो मिलकर एक साथ अच्छे से काम कर रहे थे, काम बढ़ भी रहा था, लेकिन फिर अचानक मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया। आयशा, मैं नहीं चाहता कि इस काम से जुबैदा को और ज्यादा तकलीफ हो। डॉक्टर ने 2 महीने का हैवी कोर्स दिया है। देखो, इस दवा को खाने से इसको ज्यादा नींद आएगी। तुम बात को समझो, ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए काम बंद कर दो। मेरी तबीयत की वजह से हमें कुछ टाइम के लिए हमारा काम बंद करना पड़ा और एक दिन मैं दवा लेके बस आराम कर रही थी तो हाय भाभी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, वो थोड़ा सर बहुत चकरा रहा था। अरबाज भाई कहाँ हैं? अगर आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो मुझे बताना चाहिए था। मैं दवा के नशे में थी और फिर अचानक न जाने कैसे मेरी आंख लग गई। और फिर उसने फिर अरबाज घर वापस आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दी। मैं तो उसी वक्त पुलिस के पास जाना चाहती थी लेकिन इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हम यहाँ मेरे मायके चले आए, लेकिन सरफराज ने उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सरफराज, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, मैं आयशा को सब कुछ बता दूंगी। तो बता दो, डरता नहीं हूँ मैं। सरफराज, सरफराज क्यों तू मेरी बहन और मेरी बीवी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। बस एक रात के लिए जुबैदा को मेरे साथ छोड़ दो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जुबैदा की फोटो इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। सर, उसने नाक में दम कर दिया था, इसीलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। नहीं, इसकी मदद से? नहीं सर, हम इसे नहीं जानते सर। जुबैदा और अरबाज सस्पेक्ट नजर आ रहे थे, लेकिन सरफराज के साथ क्या हुआ होगा इसको लेकर पुलिस नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही थी और उन्हें उस आदमी की तलाश थी जिसने सरफराज का लैपटॉप राजन को बेचा था। वहीं जुबैदा के अलावा सरफराज के लैपटॉप में कई लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो थे और पुलिस एक एक करके हर लड़की को आइडेंटिफाई कर रही थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर लड़कियों का कहना था कि वो सरफराज को ठीक से जानती तक नहीं थी। सर, हमने इस फुटेज को क्लोजली एग्जामिन किया तो ये देखा, एक दो जगह और ये दीप्ति के पीछे जाता हुआ देखा। शर्मा, पता करो इसके साथ दूसरा और कौन था। जी सर। बेहतर यही होगा कि तुम भी उगल थे। सर, राजन भाई नहीं है क्या? राजन भाई तो बाहर है। अच्छा, मेरा हार्ड ड्राइव ठीक हो गया? हाँ, वो हो गया ठीक मैडम। दो
अच्छी लगती थी दीप्ति मुझे। दिन रात उसका चेहरा मेरे मन में घूमता रहता था, छूना चाहता था मैं उसको, पागल हो गया था मैं, पागल। प्यार करता था मैं उससे, अगर मैं उसको ये बात बोलता तो कहीं नहीं मानती। मेरे को मालूम था उस दिन वो राजन भाई की दुकान पे आने वाली। आप दुकान पे आके ले जा सकती हैं? अपने दोस्त का प्लान बना के उठा लिया उसको। जाने दो मुझे। नहीं नहीं डरो मत, डरो मत दीप्ति, मैं हूँ, प्यार करता हूँ दीप्ति तुमसे, शादी कर लो मुझसे, शादी कर लो। साहब, मरते तब तक तू उसका रेप करता रहा और मरने के बाद भी बोलता है प्यार करता था, कुत्ता साले। और इतना कुत्तों की इसकी चीखें पुलिस स्टेशन के 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देनी चाहिए। दीप्ति एक ऐसे गुनाह का शिकार हुई थी जिसको लेकर हम आए दिन आक्रोश से भर उठते हैं, पर कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं। और आज ये बेबसी हम सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई रोकथाम नजर नहीं आ रही। दीप्ति रेप और मर्डर केस पुलिस सॉल्व कर चुकी थी, लेकिन सरफराज मर्डर केस अब भी बिना नतीजे के था। पुलिस अब भी सरफराज को मिसिंग मानकर ढूंढ रही थी, जो कि जुबेदा और कई और लड़कियों का गुनहगार नजर आ रहा था। सर, इस कैदी शाद नाम के लड़के का है, ये साइन में एक फैक्ट्री में काम करता है, और सर 1 महीने से गायब। और सर ये भी पता चला है कि ये शाद इस विलास के टच में भी था। जब 1.5 साल पहले सरफराज गायब हुआ था तो उसे आखिरी कॉल इसी ने किया था। और वो लैपटॉप मेरे स्टोरूम में रखा हुआ था, सब बिना पूछे मुझसे उठा के ले गया और उसे भेज दिया साहब। तो शायद इस वक्त कहाँ है? आपने उसका स्केच दिखाया था ना, मैं डर गया था साहब, मैंने उसे गांव भेज दिया। तो तूने और शायद ने मिलकर सरफराज को गायब किया था? नहीं साहब, शायद ने कुछ नहीं किया है साहब। तो फिर कौन मिला हुआ था तेरे साथ? कहाँ है सरफराज, क्या किया उसके साथ? हेलो विलास भाव, अरे बताओ क्या खिदमत करूं आपकी। अरे बहुत इंतजार कराया आपने। सरफराज ने जब मेरी बेटी जुबेदा के वो गंदी फोटो खींचे, तब वो मेरे दामाद के साथ मेरे घर सूरत आ गए। मेरी बेटी की तरह मैं भी चाहता था कि हम पुलिस के पास जाए, मगर मेरा दामाद नहीं माना। अगर हम पुलिस के पास गए तो हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, बात समझिए। अब अगर पुलिस के सामने अगर ये बात आई तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। अभी पुलिस नहीं, मैं फिर भी खून के घूंट पी के रह गया। लेकिन जब उसने मेरी बेटी की फोटो इंटरनेट पर डालने की धमकी देनी शुरू की, तब मैं खुद गया उसे समझाने, उसकी मिन्नतें करने। खुदा से डर बेटा, वो फोटो डिलीट कर दे। अपनी बेटी दे दे सिर्फ 1 रात के लिए। राज, तू ये सही नहीं कर रहा है, समझा? चले, जो करना कर ले। विलास को तो मैं काफी दिनों से जानता था, बहुत सारा कर्जा लेकर रखा था उसने मुझसे। और तुमने उसको बोला कि अगर वो तुम्हारा साथ देगा तो तुम उसका सारा कर्जा माफ कर दो। मैंने जो भी किया अपनी बेटी के अब्रू बचाने के लिए किया, और मुझे उसका जरा भी अफसोस नहीं है। जुबेदा के पिता यूसुफ ने कहा कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। और हमारे समाज और हमारे आसपास शायद ऐसे कई लोग होंगे जो शायद ये सोचते होंगे कि सिर्फ सरफराज ही क्यों, अगर दीप्ति के गुनहगार गिरीश का भी सरफराज जैसा ही अंजाम होता तो शायद गलत नहीं होता। हाल ही में हमारे देश में ऐसा बहुत कुछ हुआ जहां महिलाओं के साथ गलत करने वालों को सूली या गोली, किसी भी तरह से इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही थी। लेकिन इंसाफ के मामलों में जज्बात और फितूर से नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया से ही फैसलों तक पहुंचना चाहिए। अगर जुबेदा का पति अरबाज पहले से ही पुलिस की मदद लेने का फैसला कर लेता तो जुबेदा के पिता की बेबसी का फितूर उन्हें आज कटघरे में लाकर खड़ा नहीं करता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।